गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का एक और सेशन। दोस्तों, डेट है आज 25 मई और दोपहर के बज रहे हैं तकरीबन 4। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों हम लोग होने वाले हैं 1500 सब्सक्राइबर्स। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक तभी कीजिएगा अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो या फिर इन वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो और आपकी कॉल्स, आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में जा रहा है, सिर्फ तो ही इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, वरना चुपचाप से डिसलाइक का बटन दबा दीजिएगा और हमें बता दीजिएगा कि आखिर क्यों आपको ये वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, सो फ्रेंड्स स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है हमारे पास कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं और ना ही हम आपकी इसमें किसी तरह की कोई मदद कर पाएंगे। हम यहां पर इस चैनल को चलाते हैं ताकि शेयर्स को फंडामेंटली और टेक्निकली थॉरली एनालाइज किया जाए, इनसाइड आउट उसकी पूरी स्टडी की जाए और उसके बाद शेयर्स पोजिशनल बेसिस पर खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखे जाएं, जिनमें मिनिमम पोजिशन एक वीक की और मैक्सिमम पोजिशन एक साल या फिर इससे भी लंबे समय तक पोर्टफोलियो फॉर्म करते हैं। और साथ ही साथ हम अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं मिनिमम 10% का किसी भी शेयर से। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर हैं, सो वी आर रियली सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं और लंबे समय के लिए मार्केट में निवेशित रहना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम आपसे माफी चाहते हैं कि पिछले 3 दिनों में हमने कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं किया, चूंकि कुछ पर्सनल कारण थे, ऑफिशियल विजिट की वजह से हम बॉम्बे जा रखे थे और काफी लोग नाराज भी हुए इस वजह से कि लाइव सेशंस नहीं हुए और साथ ही कोई नया वीडियो भी नहीं आया। बट घबराने की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें पर्सनल मैसेज किया कि मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं बट कोई एक डेस्टिनेशन आपको ऐसा नहीं मिल रहा जहां पर कि आप बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में इस टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकें, जितनी एनालिसिस हम करते हैं उतनी या फिर उससे भी ज़्यादा बेहतर। सो इस वजह से हमारी टीम ने यह डिसाइड किया और पिछले 3 दिनों में हमने इस पर काफ़ी वर्क किया। काम हम इस पर पिछले 2 महीनों से कर रहे थे बट पिछले 3 दिनों में हमने इसे फॉर्मल रूप दिया है। और फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड पर ही हम ये एक बिल्कुल नई सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। इस सीरीज का नाम है लर्न टू अर्न। जी हाँ, लर्न टू अर्न। हम हमेशा से अपने सारे वीडियोस में अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपसे कहते आए हैं कि इस चैनल का मकसद आपको सिखाना नहीं है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शेयर्स एनालाइज करना है। बट वो तब तक होता था फ्रेंड्स जब तक हमारी टीम छोटी थी, सब्सक्राइबर्स कम थे हमारे पास में, उस समय हम इंडिविजुअल्स की क्वेरीज ले सकते थे। बट अब धीरे धीरे ये ग्रुप बढ़ रहा है, इस हद तक बढ़ रहा है कि लाइव सेशंस के अंदर 30 से 40 लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, अपनी अपनी क्वेरीज देते रहते हैं, कई बार वो क्वेरीज रिपीट होती रहती हैं, तो इस वजह से हम हर किसी की क्वेरीज नहीं ले पाते। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी हम हर किसी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया फाइनली कि अब ये समय आ गया है कि हमको आपको फॉर्मली कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए, और वो भी फर्स्ट जो लेसन है वो है टेक्निकल एनालिसिस का ही। सबसे पहले हम आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान है सीखना, और स्पेशली जिस तरीके से हम आपको सिखाएंगे और जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं सेम वही टेक्निक्स आपको यहां सिखाएंगे। करना सिर्फ आपको एक है, पेशेंस रखना है और पेशेंस रखने के साथ इन वीडियोज को पूरा देखना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट निकालना है सो हम हमेशा से 3 चीजों पर जोर देते हैं। पहला है नॉलेज, दूसरा है एनालिसिस और तीसरा है पेशेंस। सो आपको नॉलेज मार्केट के अंदर इकट्ठी करनी ही होगी और कोई कठिन काम नहीं है। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो शांति से बैठकर देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये चीज सीखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जो पहला सेशन आज हम लेकर आए हैं, इस सेशन पर आपके कमेंट्स ही हमें ये बताएंगे, हमारा मोराल बूस्ट करेंगे कि हमें इस सीरीज को आगे चलाना है या नहीं चलाना है। जो सबसे पहला सवाल किसी भी एक निवेशक के दिमाग में या मार्केट में जो भी आदमी काम कर रहा है उसके दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करती भी है या नहीं। अगर हम अपना वक्त लगाकर और पैसा लगाकर इस चीज़ को सीखें भी, टेक्निकल एनालिसिस को, हज़ारों बुक्स हैं, 1000 थ्योरीज हैं, वो सब कुछ अगर हम पढ़ भी लें और अगर वो चीज़ काम ना करें, हम बार बार चार्ट देखें और उसके बाद खरीदारी करें और पता चले कि शेयर के अंदर हमको रिटर्न ना मिले, तो फिर वो हमारे लिए किसी तरह प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है ना, उसमें मेहनत, वक्त, पैसा, तीनों चीज़ें हम लगा रहे हैं लेकिन हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो जो सबसे पहला एपिसोड हमारा है वो बजाय, आम तौर पर जो आपको एपिसोड्स मिलेंगे वो होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है या चार्ट पैटर्न क्या है, इसके बजाय हमने अपना सबसे पहला एपिसोड रखा है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करती भी है मार्केट में या नहीं करती। क्योंकि क्या है और कैसे काम करता है ये सब जानने के बाद अगर लास्ट में आपको पता चले कि ये काम ही नहीं करता है तो फिर उस सिस्टम को सीखने का फायदा क्या। सो आज का ये एपिसोड आपके इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि वेदर टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स इन मार्केट और नॉट।
अगर ये चीज़ काम कर रही है तब तो हम इसे सीखेंगे, अगर ये चीज़ काम नहीं कर रही है तो फिर हम इसे बिल्कुल नहीं सीखेंगे। दोस्तों पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, सेशन अगर थोड़ा लंबा भी होता है तो भी कोई बात नहीं, 30 सेशंस हम चलाएंगे और इन 30 सेशंस के अंदर यकीन मानिए आप कि 30 दिनों के बाद आप हमसे भी बेहतर टेक्निकल एनालिसिस कर सकेंगे। उसके बाद आप इस चैनल को सिंपली अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको हमसे जुड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लाइव सेशंस भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपने जो शेयर्स हैं उनकी क्वेरीज आप खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। सो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर ढूंढना शुरू करते हैं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करती है या नहीं, और जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे वो है ट्रेड टाइगर वर्जन 2.5। इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि ये सॉफ्टवेयर आप ले लीजिए, बहुत ही शानदार है अगर आप एक न्यू कमर है तो। और दो लिस्ट हमने निकाली है शेयर्स की, आप में से वो लोग जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्हें हम रेगुलर अवॉइड की लिस्ट में रखे हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल हमारे वीडियोस की लिस्ट में जाइए, इसमें नीचे से देखना शुरू कीजिए, कुछ शेयर्स हैं जिनको हमने रेगुलर अवॉइड की लिस्ट में रखा हुआ है, जैसे कि PSU बैंक्स पूरी तरह से आपको अवॉइड करने हैं, इसके अलावा ADAG ग्रुप के शेयर, वो वीडियो है नीचे और जिस पर हमें सबसे ज्यादा डिसलाइक्स मिले कि ADAG ग्रुप के शेयर्स क्यों दूर रहें। फिर इसके बाद हमने जेट एयरवेज पर बोला कि जेट एयरवेज अगला आरकॉम होने वाला है, आइडिया अगला आरकॉम होने वाला है, जेट एयरवेज जैकपॉट है या ट्रैप। सो ये वो सारे शेयर्स हैं जो शेयर्स हमने अवॉइड करने के लिए बोले हैं। और कौन से शेयर्स हैं? जेट एयरवेज, आइडिया, मदरसन सुमी, आरकॉम, आर पावर, रिलायंस कैपिटल, NDTV, TV18 ब्रॉडकास्ट, वक्रांगी, रेन, सुजलॉन, JP एसोसिएट्स। इसमें से रेन इंडस्ट्रीज और मदरसन सुमी करंट लेवल पर अवॉइड करना है, बट इन्हें अवॉइड करना है, इन्हें खरीदना नहीं है। ठीक, तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जो हमें ये बताती है कि इन शेयर्स को अवॉइड करना है? क्या चार्ट पर देखकर, सिर्फ हम चार्ट देखकर ये बता सकते हैं कि इन शेयर्स को खरीदना नहीं है? क्योंकि अगर हमें चार्ट देखकर ही ये पता चल जाए कि किस शेयर को खरीदना है और किस शेयर को नहीं खरीदना है तो इससे बढ़िया क्या होगा? एक मिनट के अंदर आप चार्ट देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा शेयर खरीदने लायक है और कौन सा नहीं, और जो शेयर खरीदने लायक नहीं है आप उसे सिंपल अवॉइड कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन काम कर गई तो इसका मतलब है कि हमारे सवाल का जवाब मिल गया। और हमारा सवाल क्या है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करती है या नहीं? अब इस चीज़ को जानने के लिए आपको एक फैक्ट हमेशा दिमाग में रखना होगा, गिरते हुए शेयर को कभी नहीं खरीदना है, चाहे वो कितना ही अच्छा शेयर क्यों ना हो। इस बात को ध्यान रखिए, सबसे पहला नियम आज आपका पहला लेसन है कि गिरते हुए शेयर को कभी भी नहीं खरीदना है चाहे वो कितना ही अच्छा शेयर क्यों ना हो, हमेशा बढ़ते हुए शेयर को खरीदना है। जो शेयर ऊपर जा रहा है हमेशा उसे खरीदना है, क्यों? उगते हुए सूरज को ही सलाम होता है। जो शेयर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि शेयर के अंदर स्ट्रेंथ है, सिर्फ उसी शेयर को खरीदना है। जो शेयर गिर रहा है इसका मतलब शेयर में किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी मोटी हो कि कुछ दिनों के लिए शेयर गिरे, चाहे वो प्रॉब्लम बड़ी है। तो अगर ये शेयर हम कह रहे हैं कि अवॉइड लिस्ट में है तो इसका मतलब है कि इनका चार्ट कैसा होना चाहिए? गिरता हुआ होना चाहिए। और अगर गिरता हुआ चार्ट इन सभी शेयर्स का है तो इसका मतलब है कि 50% थियोरी हमारी काम कर गई कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में काम करती भी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके शेयर्स के चार्ट देखना। सबसे पहले निकालते हैं जेट एयरवेज को, और लॉन्ग टर्म का चार्ट जेट एयरवेज का जरा ध्यान से देखिए। एक समय यह शेयर काम करता था तकरीबन 1300 रुपए पर, 1300 रुपए से जेट एयरवेज का शेयर लगातार नीचे गिर रहा है। ये गिरावट आपको दिखाई दे रही है, ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, 1300 रुपए पे काम करने वाला ये शेयर, जो कि कभी जो हाईएस्ट लेवल है शेयर के वो 1364 के थे, आज 148 पर आया है। जब भी आप शेयर का चार्ट ऐसा देखें कि जो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, लगातार नीचे गिरता जा रहा है, ऐसे शेयर से हमेशा दूर रहना है। ठीक, सो चलिए जेट एयरवेज का चार्ट मान लेते हैं कि समहाउ काम कर रहा है, तो क्या आइडिया भी ऐसा ही काम कर रहा है? यह है आइडिया का चार्ट, ये एक तरफा गिरावट दिख रही है आपको। किन लेवल से गिर रहा है? 181 से गिरना शुरू हुआ और कहां पर आ गया? 12 रुपए पर। और आइडिया के लिए हमने जो आपको एक कैप्शन दिया था वो था कि आइडिया अगला आरकॉम होने वाला है। जरा हमें उसे ढूंढने दीजिए, JSW स्टील इंडिया सीमेंट एडवांस मार्केट में लॉस, ओके, न्यूजेन जेट एयरवेज, एक्सावियर ग्रीन प्लाई फॉर सोर्स, ओके, अभी कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा, कहाँ चला गया, JSW वर्धमान एडवांस डॉक्टर रेडीज,
आइडिया अगला और कॉम, ये रहा डेंजर शेयर था, ठीक है, और ये 3 वीक पहले हमने बताया था, इसके ट्रैक हम बहुत पहले से अवॉइड कर रहे थे लेकिन फिर इससे फॉर्मल वीडियो इस पर 3 वीक पहले बनाया। ओ अब देखिए आइडिया भी एक तरफा गिरावट का ट्रेंड है, यानी ये दो शेयर हो गए, तो इन दो शेयर्स को नहीं खरीदना है आपको। और क्यों? क्योंकि शेयर का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है, नीचे गिरावट। चलिए हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो कि दो शेयर्स एक जैसे काम कर रहे हैं। मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरीज सबसे शानदार कंपनी है ऑटो एंसिलरीज की, बट करंट जरा चार्ट देखिए शेयर का और कब से गिरना शुरू हुआ ये भी देखिए। जनवरी 2018 से लगातार एक तरफा गिरावट, ये दिख रही है आपको, एक साल से शेयर नीचे गिर रहा है। नियम क्या है? गिरते हुए शेयर को नहीं खरीदना है। इसके बावजूद लाइव सेशन में हर दिन कम से कम 5 लोग जरूर आते हैं ये पूछने के लिए कि सर मदरसन सुमी खरीदना है या नहीं खरीदना। ये दिख रहा है डाउन ट्रेंड, नहीं खरीदना है। देन आरकॉम, आरकॉम को खरीदने के लिए लोग लालायित हैं, इसे हम 100 रुपए से ऊपर था शेयर, तब से कह रहे थे इसे नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है। और 22 रुपए के पास में हमने आरकॉम जब एडीएजी ग्रुप से अवॉइड करने के लिए बोला उसमें बताया। 155 से शेयर को देखिए लगातार एक तरफा गिरावट दिख रही है। नीचे गिरते हुए शेयर को कभी नहीं खरीदना है। आर पावर, रिलायंस पावर चार्ट देखिए लगातार नीचे गिर रहा है, नहीं खरीदना है। रिलायंस कैपिटल चार्ट देखिए ऊपरी स्तरों से लगातार नीचे, नहीं खरीदना है, मतलब नहीं खरीदना है। एनडीटीवी चार्ट देखिए लगातार नीचे गिर रहा है। टीवी 18, इस पर तो कई बार कॉल आती है, मतलब दिन में एक बार टीवी 18 के ऊपर जरूर किसी ना किसी का क्वेश्चन आता है कि सर टीवी 18 क्वेश्चन। ये आपको सबसे पहला नियम याद है ना कि गिरते हुए शेयर को नहीं खरीदना है। देखिए नीचे गिर रहा है, चार्ट भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। वक्रांगी, इसका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ, शेयर कहां से गिरा, 500 रुपए से शेयर गिरा और 50 रुपए हो गया। ये एक तरफा गिरावट दिख रही है आपको शेयर के अंदर, ये गिरावट दिखी, डाउन ट्रेंड, मतलब नहीं खरीदना है। रेन इंडस्ट्रीज, सीमेंट सेक्टर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, बट पूछते रहते हैं सर रेन इंडस्ट्रीज पर खरीदना है, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। सो जब शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है इसका मतलब है कि शेयर को नहीं खरीदना है। सुजलॉन इतना नीचे गिर गया, अब कहने वाले मतलब लोग कहते हैं कि सर अब इससे नीचे और क्या गिरेगा, इससे नीचे गिर के सुजलॉन हो जाएगा जीरो, ये दिख रहा है। कचरा है हाथ नहीं लगाना है, जेपी एसोसिएट्स, ये दिख रहा है। चलिए ये तो हो गए वो शेयर्स जिन्हें हमें अवॉइड करने के लिए बोला। तो एक चीज तो तय है कि जिन शेयर्स को अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है या गिरने इनमें खरीदारी नहीं करनी है उनके अंदर टोटल डाउन ट्रेंड है। तो नियम है कि डाउन ट्रेंड के शेयर को नहीं खरीदना है, या जो शेयर नीचे गिर रहा है जिसका चार्ट नीचे की तरफ है उसे नहीं खरीदना है। 50% तो टेक्निकल एनालिसिस काम कर गई, यानी हमारा क्वेश्चन था कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करती है, 50% तो काम कर गई, बट क्या जो शेयर बढ़ रहा है या जिसे हम खरीदना चाह रहे हैं क्या इसका मतलब उस शेयर का चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो फंडामेंटली जो स्ट्रांग शेयर्स हैं इनका चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म चार्ट, ये हमेशा अप ट्रेंड में होने चाहिए। जस्टिफाइड है ना, ये लॉजिक समझ में आया आपको, जस्टिफाइड है या? तो देखना शुरू करते हैं एक तरफ से। हैवल्स लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा, ये देखिए क्यों हैवल्स खरीदने लायक कंपनी है, लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए शेयर का। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, चीख चीख कर हम कह रहे हैं आईजीएल खरीदिए, आईजीएल खरीदिए, ये देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट दिख रहा है, लगातार अप ट्रेंड है। ये शॉर्ट टर्म है, इससे अभी घबराने की जरूरत नहीं है और इस पर बिल्कुल मत आइए अभी, ये जो शॉर्ट टर्म का ये करेक्शन है इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड है, ठीक, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। अपने सारे सवाल संभाल कर रखिए, 30 सेशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे, बिल्कुल मत घबराइए। बाटा इंडिया चार्ट देखिए, ये खरीदारी करने वाले शेयर्स हैं, ओके। निफ्टी बीज, ये हमारा पोर्टफोलियो शेयर नंबर 3 है जिसे हमने कहा था कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहना ही चाहिए 10%, ये देखिए निफ्टी बीज लगातार बढ़ने वाला, लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी, लॉन्ग टर्म चार्ट दिख रहा है ना, इस चार्ट को कंपेयर कीजिए सुजलॉन से, सुजलॉन किधर, इधर जा रहा था, और ये चार्ट किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव है, ये बाई करने वाले शेयर्स हैं। ब्रिटानिया लॉन्ग टर्म चार्ट दिख रहा है, हमेशा ऊपर जा रहा है, ओके। नेस्ले इंडिया चार्ट देखिए लगातार ऊपर जा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज
फार्मा सेक्टर जब पूरी तरह से पिटा हुआ था उस समय लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए डॉक्टर रेड्डीज का, अप ट्रेंड, इसको अवॉइड कर दीजिए, इसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इससे इसके आपको आंसर बिल्कुल मिलेंगे, सेशंस 30 सेशंस कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बताएंगे कि सर ये जो हो रखा है ये प्रॉफिट बुकिंग है, करेक्शन है ये, ठीक। पीवीआर ये देखिए, ये स्टडी है, ये प्रीवियस स्टडीज हमारी पढ़ी हुई थी, ठीक है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए पीवीआर का, ये दिख रहा है लगातार शेयर ऊपर जा रहा है। टीसीएस लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए लगातार ऊपर जा रहा है, कहीं मामूली सी गिरावट होती है थोड़ी सी फिर ऊपर, तो लॉन्ग टर्म चार्ट जो है शेयर का वो अप ट्रेंड। और लास्ट है बजाज ऑटो, ओके, ये भी अप ट्रेंड। सो क्या चीज क्लियर हुई इस स्टडी से, जो शेयर्स अवॉइड करने के लिए बोले गए इन शेयर्स के चार्ट जो हैं वो डाउन ट्रेंड में हैं, जैसे कि सुजलॉन, ठीक, और जो शेयर्स खरीदारी के लिए बोले जा रहे हैं वो शेयर्स अप ट्रेंड में हैं, जैसे कि हैवल्स। इसका मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस अगर 100% नहीं, अभी हम ये नहीं मानकर चलते हैं कि 100% काम नहीं करती, अभी हम ये मानते हैं कि चलिए 50-60% काम करती है। ये वीडियो देखते हुए फ्रेंड्स आप इस इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिली है इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये बताइए कि फर्स्ट वीडियो से आपको क्या लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस कितने परसेंट काम करती है मार्केट में, ठीक है। इससे हमें यह पता चलेगा कि आप धीरे धीरे कितना सीख पा रहे हैं। आपके फीडबैक से ही फिर हम फर्दर जो वीडियोस हैं उन्हें मॉडिफाई करेंगे कि वीडियोस की क्वालिटी या उसका नॉलेज कितना डीप रखना है। आप जितनी तेजी से सीखेंगे हम उतनी तेजी से आपको सिखाएंगे, फिर वीडियोस का जो नॉलेज है उसे और इन डेप्थ ले जाएंगे। अगर आप धीरे धीरे सीखेंगे तो हमारी जो सिखाने की रफ्तार है वो भी थोड़ी धीमे होगी, ताकि आप अच्छे से सीख सकें चीजें, ठीक। सो यहां तक की इंफॉर्मेशन से एक चीज तो क्लियर है कि गिरता हुआ शेयर है अगर, जिस शेयर को हम अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं उसका ट्रेंड नेगेटिव रहता है, जिस शेयर में हम खरीदारी के लिए कहते हैं उसका ट्रेंड पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ ना कुछ तो काम मार्केट में करती ही है। और अब ध्यान से सुनिए कि अगर आप सिर्फ टर्मिनल के पीछे बैठे, सिर्फ टर्मिनल के पीछे, और आप चार्ट न देखें, आप सिर्फ इसे खोल कर बैठिए, जो कि आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, और वो एक दिन में रिलायंस कैपिटल का 3% का जंप देखते हैं या सुजलॉन का 6.5% का जंप देखते हैं और वो कहते हैं कि यार सुजलॉन खरीद लेते हैं 6.5% है, तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये बताइए कमेंट बॉक्स में। जब लॉन्ग टर्म चार्ट शेयर का नेगेटिव है और आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, सिंपल 6.5% देकर और खरीद लेते हैं और फिर आप उस ट्रैप में फंसते हैं। सुजलॉन में फ्रेंड्स हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े थे, पहले से जुड़े हुए थे, वो खरीद कर बैठे, 70-70% वैल्यू इरोड हो गई उनकी, बट हमारे ग्रुप से जुड़ने के बाद अब क्वालिटी के शेयर्स खरीदते हैं। सो यहां तक की एनालिसिस से फ्रेंड्स एक चीज कंफर्म है कि टेक्निकल एनालिसिस भले 100% काम ना करती हो बट थोड़ा काम तो करती है। क्यों? क्योंकि वो ये बता देती है कि खरीदने वाले शेयर्स का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में होगा और गिरने वाले शेयर्स का चार्ट जो है वो डाउन ट्रेंड में होगा, जिन्हें हमें अवॉइड करना है, जिनसे हमें दूर रहना है। अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको ये मिल गई कि भाई मुझे कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और कौन सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि लॉस मेकिंग चांसेस आपके 50% कम हो गए। 50 कचरा शेयर जिनमें आप हाथ डाल सकते थे वो आपने 50% कम कर दिए, यानी कि आपके प्रॉफिट मेकिंग चांसेस 50% और ज्यादा बढ़ गए हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि यहां तक का जो ये फर्स्ट सेशन था जिसमें हम आंसर ढूंढ रहे थे कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करती है या नहीं, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में काम करती है, तब तक आप इसकी फर्दर स्टडी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगर आप यही यकीन नहीं करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस काम करती भी है या नहीं, तो हम आपको सिखाते भी रहेंगे बट सबकॉन्शियसली आपके माइंड को वो चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए पहली चीज ये एक्सेप्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि इस सेशन के बाद आप क्या मानते हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के अंदर काम करती है या नहीं करती, और हमें इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इसे यहीं रोक देना चाहिए। आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, ये किसी तरह से काम नहीं करती है,
फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें ये पता चलता है कि आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे ग्रुप के साथ। वही हमारी टीम के लिए मोटिवेशन फैक्टर होता है। अगर आप कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारी टीम के लिए कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं रह जाता। फिर हम ये वीडियोज़ बना किस लिए रहे हैं, ये चैनल किसके लिए चल रहा है? हम तो अपने शेयर्स खरीदते रहते हैं। हमने माइथन अलॉय खरीदा, जेके सीमेंट खरीदा, इंडिया सीमेंट खरीदा, डॉक्टर रेड्डीज लैब खरीदा, एडवांस एंजाइम खरीदा, बट ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ग्रुप में स्टडी करते हैं तो हमें कुछ आपसे सीखने को मिलता है, कुछ चीज़ें आपको हमसे सीखने को मिलती हैं, और इसी तरह से ये ग्रुप बढ़ता है और वो हमारे आपके लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। सो थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए, 2 मिनट 3 मिनट, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख कर बताइए कि आज का ये पहला सेशन आपको कैसा लगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करती है या नहीं, और अगर मिला तो वो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बिल्कुल छोटा रखेंगे, मकसद था सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पास करना और इस नई सीरीज़ को शुरू करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे चेंज कर रहे हैं। आज के बाद इस चैनल का मकसद न केवल आपके शेयर्स एनालाइज करना होगा बल्कि आपको सिखाना भी होगा, और हम पूरा जोर देंगे इस पर कि आगे आने वाले 45 डेज के बाद, यानी कि इस गवर्नमेंट बनने के बाद, जैसे ये गवर्नमेंट रन होना शुरू होती है, हम सबके लिए ये बढ़िया होगा कि हम अपना पोर्टफोलियो फॉर्म करें और आगे आने वाले 5 सालों में अपना पैसा कम से कम 2.5 गुना तो कर ही लें। हम इस पर पूरी तरह से मेहनत करेंगे। सो अगर आपको ये चैनल, ये वीडियो, ये सीरीज पसंद आ रही है सो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इनमें से क्या चीज़ पसंद आ रही है, और अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो हमें कमेंट करके और वो भी बताइए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, अगले वीडियो सेशन में हम कमेंट आपके जो डाउट्स हैं उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, जुड़ सकते हैं आप। स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम गैम्बलिंग नहीं करते मार्केट के अंदर, हम प्योर नॉलेज की बेसिस पर शेयर्स को एनालाइज करते हैं थॉरोली, फंडामेंटली और टेक्निकली। और अगर आपको इसके लिए सबूत चाहिए तो जो प्रीवियस हमारे वीडियोस हैं, इनका जो हमारा बाइंग लेवल है उससे जो करंट लेवल है उसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए, देखिए कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सेशन को फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त करेंगे, उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।